डाटा केबल ले लिया, भैया 120 रुपए बोल रहे थे, मैंने 100 बोला, बाद में भैया ने फ्री कर दिया यार। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट भाई। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो रात को मैं ये पेट्रोल पंप में रुका था, वहाँ पे कैंपिंग की थी साइड में स्कूटी के पास। तो अब मैं निकल रहा हूँ आगे ब्रिजपेट से होते हुए कन्नूर के लिए। मैं भी शायद आज पहुँच जाऊँ, 80 किलोमीटर है, देखते हैं क्या होता है। तो चलें जी, नाश्ता वाश्ता कुछ किया नहीं क्योंकि रात का मैगी बनाया था, वही रात को खा लिया, अभी सुबह तो खाया नहीं है। चले आगे देखते हैं, ये बाज़ार है छोटा सा, कुछ मिले तो खा लेंगे। तो निकल पड़ा हूँ जी वहाँ से आगे। यार इतनी खूबसूरत ब्यूटी है ना इस गांव में, यार क्या बताऊँ, बहुत ज़बरदस्त। अभी तो वही जंगलों से गुजर रहा हूँ, आगे दिखाऊंगा आपको। खूबसूरत धान लगे हुए हैं, सुपारी के पेड़ और नारियल के पेड़, अमेजिंग। तो जी पौने नौ हो चुके हैं, थोड़ा आगे आ गया हूँ नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे चाय, समोसा, इडली डोसा, पता नहीं क्या क्या मिलता, खाऊंगा और फ़ोन चार्ज लगाऊंगा, मेरा पावर बैंक काम नहीं कर रहा। ये देखो मालपुआ टाइप, ये मिर्ची का वो है शायद, नहीं मिर्ची का नहीं है, ये समोसे और चाय तो है ही है। तो जी नाश्ता कर लिया, परोंठा एक 10 रुपये का था और दाल की सब्जी 20 रुपये की, 3 परोंठे खाए, दाल खाए और एक चाय पी। शूट इसलिए नहीं किया कि यार मेरा फ़ोन की बैटरी लो है और उसकी जो डाटा केबल है वो ख़राब हो चुकी है, आगे जाके ख़रीदता हूँ और फिर चार्ज करूँगा, फिर अच्छे से शूट करूँगा। तो बस निकल पड़े जी। देखो भाई ये तो कोई फुटबॉल ग्राउंड लग रहा है, और उसके साथ में पीछे देखो ये गोल्फ कोर्स लग रहा है मुझे। वाह यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है भाई, देखो है ना ज़बरदस्त। ये देखो भाई खूबसूरती, पूरे धान लगे हुए हैं, पेड़, नारियल के घर, इधर भी देखा है ना मस्त खूबसूरती। तो जी थोड़ा आगे तो आ चुका हूँ सिटी ब्रिज पेट। तो यहाँ पे एक भैया जी थे, उन्होंने मुझे जूस ऑफर किया है, तो ये शॉप है, यहाँ पे आ गया मैं जूस पीने के लिए। तो मौसम्मी का जूस बनवाया है मैंने। ये कुछ ऐसा पहाड़ है और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, बहुत ज़बरदस्त ये पिंक कलर का अचार है, ये नींबू का अचार है, ये दूसरा अचार है। तो ये वो भैया जिन्होंने मुझे जूस ऑफर किया है, थैंक यू भैया जी। गुड नेम सर? शशांक। आपका शॉप वगैरह आपकी? बिल्डिंग। अच्छा ये आपका बिल्डिंग, ट्रेंड्स जिसमें है, ओके। रेंट भी दिया है? हाँ रेंट भी दिया। बढ़िया, वेरी गुड। तो ये वो सारे जिन्होंने मुझे जूस ऑफर किया है, तो पिए जूस और फिर उसके बाद आगे निकले। ये अपना मौसमी जूस, ये सर के नाम से, थैंक यू सर। तो चलो जी बाज़ार में आ चुका हूँ आगे अपना केबल लेने के लिए, दुकान है मोबाइल की, तो चलो पता करते हैं। ये डाटा केबल है ना, सी टाइप, सी टाइप डाटा केबल। तो दुकान देखो बहुत ज़बरदस्त है, चेक करते हैं चलता है कि नहीं। मैंने डाटा केबल ले लिया, भैया 120 रुपए बोल रहे थे, मैंने 100 बोला, बाद में भैया ने फ्री कर दिया यार। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट भाई। अच्छा थैंक यू, हाफ तो ले लो, हाफ पैसे तो ले लो यार, आपका ड्रीम तो कंप्लीट हो गया। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो भैया क्या के कितने अच्छे लोग हैं कर्नाटक के यार, कोई पैसों से मदद करता है। कूर्ग में विराजपेट है, विराजपेट तो कोई पैसों से मदद करता है, कोई जूस पिला के करता है। भैया ने हेडफोन देखे, देखो जो इनके है, तो ये अपना सॉरी डाटा केबल देके मदद कर दिया भैया, थैंक यू सो मच यार, बहुत अच्छे लोग हैं यार, कर्नाटक कसम से यार, कसम से पसंद हो गया ना, बहुत 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 ज्यादा, थैंक यू भैया, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कौन सा आपका चैनल है? मेरा शानू ब्लॉग्स, आप सर्च कर लीजिए, शानू ब्लॉग्स, शानू। तो कितना डीप फॉरेस्ट, घना जंगल है ये देखो भाई, तो भाई यहाँ से गुजरना बहुत रिस्की है क्योंकि यहाँ से एनिमल क्रॉसिंग होते रहते हैं, जिसमें कि हाथी बहुत ज़्यादा बताए हुए हैं कि यहाँ से क्रॉसिंग होते हैं।
हाथी और लेपर्ड। तो भैया संभल के चलना पड़ेगा, खुद ही देखो ना आप यार कितने घने फॉरेस्ट है ये। ओ आगे भी देखना पड़ेगा भाई, भाई डर लग रहा है, इतने घने जंगल जो फिल्मों में दिखाते हैं वैसे ही है सेम। ये देखो भाई बामागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एलिफेंट क्रॉसिंग, और ये मंकी देखो, यहाँ पे मंदिर सा है, यहाँ रुका हूँ। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, हमेशा अगर ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से गुजर रहे हो तो कभी भी रुकना नहीं है, चाहे बाथरूम लगे चाहे कुछ लगे। जब कोई ऐसे पास में मंदिर या मतलब कोई घर वर हो उसके थोड़ा दूर में जाके वहाँ वॉशरूम कर लेना या पानी पी लेना, ऐसे कभी मत रुकना। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए इन्फॉर्म किया मैंने, देख लो चलें जी। जी कम से कम 15 किलोमीटर की एकदम खड़ी ढलान थी, बड़ी मुश्किल से चलाते हुए आया। अब मेरे डिस्क पैड भी ख़त्म हो चुके हैं जो कि ब्रेक इतना यूज़ नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे एक ढाबा सा आया कुछ, और चेक पोस्ट है मुक्ता करके जगह का नाम है, तो यहाँ पे लंच कर लेते हैं या हल्का सा नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद आगे निकलते हैं। और मेरे ख्याल में ढलान है क्या पता कितने किलोमीटर की, ठीक है बढ़िया है, मेरा डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा। ये दुकान खाने वाने का सब कुछ है। तो जी खाना वाना हो गया क्योंकि 11:30-12 बज चुके थे। अब ये जो मेरे पीछे चेक पोस्ट है ये कर्नाटका का आखिरी चेक पोस्ट है, यहाँ से 3 किलोमीटर बाद आगे केरला शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही शुरू होता है तो करते हैं आपका स्वागत केरला में। और फ़ोन चार्ज कर लिया था मैंने 15-20 मिनट, इसलिए खाना दिखा नहीं पाया आपको, तो चले आगे। तो जी कर्नाटक को कर दिया बाय बाय और केरला में हो गए एंटर, तो स्वागत है आपका केरला में जी। तो ये चेक पोस्ट है मेरे पीछे, तो ये आप यहाँ काम करते हैं? हाँ, तो ऐसा ये जगह का नाम क्या है केरला का? मुक्ता माकुटा। ये माकुटा केरला में आता है? हाँ केरला। ठीक है ठीक है, तो ये पीछे कर्नाटक था, आप देख रहे हो चेक पोस्ट है, और आगे केरला। ठीक है भैया जी, बढ़िया, तो मिलते हैं जी आगे आपको। अब केरला में स्वागत है आपका। केरला में तो एंट्री हो चुकी है, पैसेंजर शेड है इस टाइप का। तो यहाँ आके भैया गर्मी बहुत है यार, बहुत धूप है। ये देखो ये अभी दिखेगा नहीं आपको, छाया है वहाँ पे देख सकते हो। तो ये पीछे मेरी दुकान थी, तो यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक ले ली केरला में आके, 10 रुपये की कोल्ड ड्रिंक है भाई, रूम पैक स्वीट ड्रिंक्स, ठीक है बढ़िया। करें थोड़ा रेस्ट, पिए कोल्ड ड्रिंक। काफ़ी आगे 8-10 किलोमीटर, तो जैसे ही यहाँ पे आए हैं केरला में, तो भाई समुंदर आने वाले हैं और पानी बैक वाटर और प्लेन। ये देखो मेरे सामने नदी बह रही है, अभी फ्लाईओवर से जाऊँगा फिर आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ सिग्नल लगा हुआ है बट हम साइकिल वालों के लिए कोई सिग्नल नहीं है। हम साइकिल वालों के लिए कोई सिग्नल नहीं है क्योंकि हमने जाना इधर और सिग्नल वैसे भी हो गया। ये देखो फ्लाई ओवर, चाचा को क्या हो गया? ये देखो पानी, ये समुंदर का बैक वाटर का पानी आया हुआ है, और पेड़। चले जी हाईवे पुल के ऊपर चला रहा हूँ, टूर करना सेफ नहीं है। 4:15 हो चुके हैं, चले थोड़ा आगे। तो यहाँ अभी शॉप में आ चुका हूँ, टी स्टॉप में, पिए कोई चाय। भाई वे चाय कौन सी है? चाय चाय एक ही टाइप की रहती है, मीठा ज़्यादा होता है कम होता है। अच्छा वो नॉर्मल वाली है, मीठा कम। ये क्या चीज़ है? ये भरा हुआ क्या है? अच्छा खट्टा होता है, कैसा होता है? मीठा होता है। मीठा होता है। कितने कितने का है? वो 20 रुपये का, ये 12-15 ऐसा अलग अलग। ये चाय दे दो। ये मैंने दाल बड़ा टाइप का लिया और एक ये लिया मीठा सा है खाने के लिए, भुजिया टाइप का। तो जी ये जो मैं खा रहा हूँ, इस केले को, मीठे केले को रैप करके
फ्राई किया हुआ है, तो मीठा मीठा बहुत ज़बरदस्त है, खट्टा मीठा। और चाहिए कॉफ़ी के टाइप जात बनाई हुई है। शाम हो चुकी है, सामान लेने के लिए आ गया हूँ, राशन जो बनाना है मुझे खाने के लिए। 44 ये बड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा 48 दिखाओ। बासमती टोटा होगा, टोटा क्रैक बासमती, बासमती क्रैक, ये तो पका हुआ है ना? हाँ सुपर चोर, बिना पका हुआ, बिना ये तो पका हुआ, ऑलरेडी पका हुआ है ये फ्राइड है। ले लिया सब्जी के नाम पे, ये है यार जो मैं खाता नहीं हूँ, करेला और ड्रमस्टिक और पता नहीं क्या क्या, कद्दू, घिया, बंद गोभी, ये भी नहीं खाता मैं आज आके, फिर ये परवल ये भी नहीं खाता मैं, ये भिंडी और यही है आलू, ये है देखते हैं। तो जी आलू ले लिया आधा केजी, 250 ग्राम ले लिया बीन्स, हो गया ओके। तो जी ये ले लिया सामान, चावल ऐसे रखा हुआ है, आलू और बीन्स और मिर्ची ख़त्म हो गई थी, मिर्ची ले लिए, मसाला वगैरह है नहीं यहाँ पर। चले आगे, अब देखते हैं, 5 बज गए, 1 घंटा और चलाऊँगा, कहाँ पहुँचता हूँ देखता हूँ क्या हिसाब किताब है। ये दुकान वाले हैं, टाइम हो चुका है 6:45 और मैं हूँ इंडियन ऑयल के पंप में, तो यहाँ रुकने का हो गया आज मेरा जुगाड़। तो कन्नौर बीच या सिटी अभी रह गया यहाँ से 18 किलोमीटर, तो ये मुझे कुछ ऐसा मिला है रुकने के लिए, यहीं पे आज अपनी कैंपिंग करेंगे, नहाएंगे धोएंगे खाना बनाएंगे तो सुबह निकलेंगे। तो जी अपनी सब्जी बन रही है आलू बीन्स, जैसे कि आपको मालूम है मैं वही खाता हूँ ज़्यादा, टमाटर अभी इसमें एंड में डालेंगे क्योंकि आलू गल जाए, और राइस अपने यहाँ पर धुआँ निकाल रहे हैं, वाह। चलो जी इसको बनने के लिए छोड़ते हैं थोड़ा। तो जी बन गया अपना चावल और बन गई अपनी लजीज सब्जी। तो खाना बना है मस्त, लेकिन केरला में जैसे ही इंटर हुआ गर्मी बहुत है भाई, बुरा हाल हो चुका है। तो चले जी आज दिन का सफ़र ऐसे ही था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।